हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आप लोगों को पता है आज आपका टेस्ट है। टाइम और डेट आपको पहले से ही बता दी गई थी, चैप्टर भी बता दिए गए थे कौन कौन से चैप्टर आपको लर्न करने हैं यूनिट 7 में से। हम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट यूनिट से ही लेकर अभी तक इसी तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं। आप लोगों को यूनिट भी बता दी जाती है, इसी में से कौन से चैप्टर आप याद करेंगे ये भी आपको बता दिया जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं चैनल से, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जो मैंने चैनल पर डाली है, सर ने डाली है, तो नोट्स के द्वारा तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ ली है वो पीडीएफ से तैयारी करें, कैसे भी करें, लेकिन आप लोग तैयारी जो है वो अपनी करते रहे। तो चलिए देखते हैं किस किस की तैयारी जो है वो कितनी अच्छी है। तो हम कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 7 ज्योग्राफी का टेस्ट है ये। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट कर ली है, और एक और वीडियो आएगा जिसमें आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी का यूनिट 8 का टेस्ट जो है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देना है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को आप वीडियोस शेयर करिएगा, और हो सके तो चैनल को लाइक भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम। तो इन चारों में से सही उत्तर फटाफट से सोचना है आपको, बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमें काफी क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो चल देखिए आप कि आपका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? ऑप्शन है शीतोष्ण वनों को, कोणधारी वनों को, भूमध्य सागरीय वनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर तक पहुंच गए हैं, और जिन लोगों ने लर्न किया है वो तो सही लगाएंगे। अब देखिए जिनका नहीं सही है, कोणधारी वनों को ही टैगा वन कहा जाता है। लाल आंकड़ा किताब, रेड डेटा बुक, किसके द्वारा बनाई जाती है? यूएनडीपी, आईयूसीएन, यूएनओ, यूएसए। लाल आंकड़ा किताब किसके द्वारा बनाई जाती है? तो देखिए आपका सही उत्तर क्या है, IUCN। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर रेखा से माना जाता है? चलिए इसके ऑप्शन देखिए, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन या उपरोक्त सभी। तो यहां पर सभी ने लगा लिया है आंसर। तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है दिलीप सिंह राणा, बछेंद्री पाल, अवतार सिंह चीमा, या इनमें से कोई नहीं। तो लेवल 1 के जो बच्चे हैं जिनके पास ईवीएस है तो उनको तो ये करना ही है। इसके अलावा लेवल 2 में इस टॉपिक से, सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है।
तो इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा, सबसे पहला भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े वो है अवतार सिंह चीमा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7, यमुना व गंगा नदियों का उद्गम क्षेत्र किस हिमालय क्षेत्र में है? यमुना व गंगा नदियों का उद्गम क्षेत्र किस हिमालय क्षेत्र में है? लघु हिमालय, वृहद हिमालय, उप हिमालय या इनमें से कोई नहीं? तो जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलना चाहिए उतना ही आपको मिलता है यहाँ पर, वृहद हिमालय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारों पर कौन से वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? नारियल के वृक्ष, चीड़ व देवदार के वृक्ष, सागवान के वृक्ष या सुंदरी वृक्ष? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारों पर कौन से वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं? तो यहाँ सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सुंदरी वृक्ष। तो आप लोगों ने भी यही लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9, बैरन व रुथलैंड द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? बैरन द्वीप, इसका नाम तो आपने सुना ही है, रुथलैंड द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपको यदि बैरन द्वीप का पता है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। लर्न विद रितिमन से जितनी अच्छी तैयारी आपके एग्जाम की हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतनी अच्छी तैयारी कहीं और से भी कर सकते थे। तो यदि आपको ऐसा लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है इस चैनल के द्वारा, तो आप लोग लगातार वीडियोस जो है वो देखिए जिससे कि आप जॉब ले सकें। चलिए इसका आंसर जो है वो रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखिए, जेम्स कर्नल टॉड ने किसे संतों का शिखर कहा है? माउंट एवरेस्ट को, हिमालय के सभी शिखर को, गुरु शिखर को या कंचनजंगा को? तो कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा है? तो ये क्वेश्चन जो है वो हम कई बार हिस्ट्री में भी कर चुके हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, जो कि सभी का सही होगा, और ये आंसर है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। किसे आड़ा वाला पहाड़ कहा जाता है? अरावली को, गुरु शिखर को, सांभर झील को या इनमें से कोई नहीं? किसे आड़ा वाला पहाड़ कहा जाता है? अरावली को, गुरु शिखर को, सांबर झील को या इनमें से कोई नहीं? तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा अरावली को। क्वेश्चन 12 देखिए, सतलज नदी किस नदी से मिलते हुए सिंधु नदी में गिरती है? सतलज नदी किस नदी से मिलते हुए सिंधु नदी में मिलती है, सिंधु नदी में गिरती है? ऑप्शन देखिए, झेलम, चिनाब, रावी या व्यास नदी? तो सतलज नदी जो है वो कौन सी नदी से मिलती हुई सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है? यहां पर जो आंसर होगा वो होगा व्यास नदी। तो लगभग सही है व्यास नदी, लेकिन जिनका नहीं सही है वो लोग ध्यान दें, सतलुज नदी व्यास नदी से मिलते हुए सिंधु नदी में गिरती है। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र जल धाराओं में बढ़ जाती है, इनमें से नहीं है? सांगपो, मधुमती, हुगली या पद्मा? डेल्टाई भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र,
जल धाराओं में बट जाती है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहां पर क्वेश्चन जो है वह आपको समझ में आया होगा कि इनमें से तीन तो हैं जल धाराएं गंगा ब्रह्मपुत्र की, लेकिन एक जो है वो नहीं है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आंसर रहेगा सांगपो। अगला देखिए क्वेश्चन 14। सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए आपके हैं जयपुर, अलवर, उदयपुर या बीकानेर। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहां सही उत्तर जो होगा वो देखिए लास्ट में आपको बताना है आपने कितने सही आंसर किए हैं। चलिए देखिए इसका सही आंसर होगा अलवर। नेक्स्ट है जैसमंद झील के मध्य स्थित सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? जैसमंद झील के मध्य स्थित सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी, बाबा का भागड़ा, प्रियसी या तोरण। अब देखिए वहां पर सबसे बड़ा और छोटा टापू, आपके सी और डी ऑप्शन जो है वो मैं ही कट कर देती हूं। अब आप बताइए कि ए और बी में से आपका सही आंसर क्या होगा, छोटा टापू का क्या नाम है? चलिए यहां पर मैंने आपका काम आसान कर दिया था, आप लोगों ने सही कुछ लगाया होगा। देखिए उसका नाम है प्यारी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। भारतीय मानसून वापसी काल किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से, बसंत ऋतु से, शरद ऋतु से या शीत ऋतु से? मानसून के वापस होने का समय किस ऋतु से संबंधित है? यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, सही उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो देखिए सही आंसर रहेगा शीत ऋतु। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात द्वारा वर्षा किस फसल के लिए वरदान कहलाती है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है, तो वह किस फसल के लिए वरदान होती है? खरीफ की फसल, जायद की फसल, उपरोक्त दोनों या रबी की फसल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पश्चिमी विक्षोभ ना होता, केवल भूमध्य सागरीय चक्रवात दिया होता, तब भी आपको आंसर वही लगाना होता। तो यहाँ जो आंसर रहेगा आप लोगों ने लगा लिया है। अब आप सही आंसर देखिए जिनका सही है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे ही करते रहिए तैयारी। तो इसका सही आंसर रहेगा रबी की फसल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से 17 में से 17 सही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, काली मिट्टी में किन खनिजों की अधिकता होती है? लोहा व एल्यूमिनियम की, तांबा व जस्ता की, सीसा व जस्ता की या लोहा व टंगस्टन की? काली मिट्टी में इनमें से किन खनिजों की अधिकता होती है? तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए मैं सभी बच्चों के कमेंट्स भी देखती हूँ और सभी के जो है आंसर भी देखती हूँ, ठीक है, लेकिन सभी के एक साथ बताना संभव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, जिन्होंने लगाया है ऑप्शन ए लोहा एवं एल्यूमिनियम, तो उनका सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में विश्नोई समाज के
राजस्थान में विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं? ऑप्शन देखिए फटाफट से, 29 सूत्र, 31 सूत्र, 39 सूत्र या 21 सूत्र। तो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, जब हम बहुत दिल से पढ़ते हैं एक एक टॉपिक, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी हिस्ट्री में भी था, तो यहाँ आंसर जो है वो किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, वी स्नोई, 20 और नो। तो यहाँ सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 29 सूत्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो अब देखिए क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक से ही आते हैं, कहीं इधर उधर से नहीं आते हैं, बार बार आपको इसी चीज को बताया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, नागपुर में, कोलकाता में या देहरादून में? तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फटाफट से सोचिए इसका सही उत्तर। जिसको पता है वो तो लगा ही लिया होगा उन लोगों ने, तो देखते ही। तो इसका मैं आंसर फटाफट से बताने वाली हूं, और आंसर है वो है नागपुर। अगला देखिए क्वेश्चन 21, राजस्थान राज्य का जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जयपुर में? तो राजस्थान राज्य का जो जैविक उद्यान है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है या जयपुर में है? तो आंसर है राइट, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? या साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम या मध्य प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं, आप साइकोलॉजी के क्वेश्चन तो नहीं है जिनमें आप सोचे, यहाँ तो आता है आप फटाफट से आंसर लगा देंगे। आंसर है इसका केरल राज्य। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जल परियोजना कौन सी है? अब देखिए पहली जल परियोजना, वो भी स्वतंत्र भारत की, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या पांचना बांध परियोजना? तो यहां पर तुक्का लगने का, अगर आप सोचें कि तुक्का लगा देंगे तो आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि यहां आप ए और बी ऑप्शन इसमें ही फंसने वाले हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी भाखड़ा नांगल परियोजना सोचा है, ध्यान दें स्वतंत्र भारत की पहली जल परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। खरीफ की फसलों की बुआई का समय होता है, कब बोई जाती है? किसी का भी गलत नहीं होगा ये तो, अगस्त सितंबर में, दिसंबर से जनवरी में, जून जुलाई में या मार्च मई में? तो सर ने बहुत अच्छे से ही आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनके बारे में डिटेल से बताया है। सर ने तो एक भी क्वेश्चन की बुक से नहीं छोड़ा है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं, बुक से बाहर तो नहीं पढ़ाया है सर ने, बुक के अंदर का ही पढ़ाया है। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। खरीफ की फसलों की बुआई का समय जो है वो क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर जो है जून जुलाई। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर आता है? गेहूं के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है विश्व में? तृतीय स्थान, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या पांचवा स्थान? तो
तो यहां जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा स्थान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26, अणुशक्ति खनिज के उदाहरण नहीं है। थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, जीनॉन, अणुशक्ति खनिज के तीन उदाहरण यहां दिए हुए हैं और एक जो है उदाहरण अणुशक्ति खनिज का नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जीनॉन। बाकी थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट ये सभी अणुशक्ति खनिज के एग्जाम्पल हैं। भारत में सर्वाधिक गैलेना का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में सर्वाधिक गैलेना का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? इसका आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान, ठीक है। एकमात्र राजस्थान में ही सर्वाधिक गैलेना का उत्पादन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1951, 1947, 1948 या 1984? तो राइट आंसर रहेगा, देख लीजिए इसका सही आंसर और सभी लोग याद कर लें कि 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 में, ठीक है। जिनका गलत है वो अब याद कर लें। भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई? 1888 में, 1957 में, 1948 में या 1881 में? भारत की पहली बिल्कुल व्यवस्थित जनगणना कब की गई? तो यहां आंसर रहेगा वो रहेगा 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पाइपलाइन का प्रकार किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आता है? पाइपलाइन का जो प्रकार है वो किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आता है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो पाइपलाइन जो है वो कौन से परिवहन के अंतर्गत आएगा? अब देखिए वायु परिवहन के अंदर तो नहीं आएगा, तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा और सभी का ही सही है ये आंसर, तो ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि यह रहेगा स्थल परिवहन के अंदर, ठीक है। पाइपलाइन स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए 31, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? यदि आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, इसका मतलब केवल एक यही है कि आप लोग सही तरीके से आरबीएससी की बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज इतनी मेहनत से सर और मेरे द्वारा बनाई जा रही है, आप लोगों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए यदि आप वाकई में जॉब लेना चाहते हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32, सागरमाला परियोजना 2015 का मुख्य उद्देश्य है क्या? उद्देश्य है वनों का विकास करना है,
वन्य जीवों का विकास करना है, जल स्रोतों का विकास करना है या बंदरगाहों का विकास करना है? सागरमाला परियोजना 2015। तो बिल्कुल आंसर जो क्या रहेगा इसमें, यहां पर कंफ्यूजन है तो चलिए देख लीजिए इसका सही आंसर। यहां पर गलत करते हैं कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में आपको गलत नहीं करना है। बंदरगाहों का विकास सागरमाला परियोजना 2015 का मुख्य उद्देश्य है। दोबारी से उदयपुर जाने वाली पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन से संबंध है? लोहा और एल्यूमिनियम, कोयला व पेट्रोलियम, पानी या सीसा व जस्ता? तो आंसर इसका है सीसा व जस्ता। राजस्थान में प्रथम रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चलाई गई? राजस्थान में जो पहली रेल चलाई गई वो आगरा फोर्ट से कहां तक चलाई गई? बांदीकुई तक, ठाणे तक, मुंबई तक या जयपुर तक? यहां पर भारत का नहीं पूछा है, किसका पूछा है? राजस्थान का। तो ये तो सभी का ही सही है, बिल्कुल सही आंसर है आगरा फोर्ट से बांदीकुई। RIDCOR, इसके विस्तारित रूप में आई का क्या अर्थ है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन, इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रियल? तो ये जो आर के बाद आई है इसका क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल इसका है ऑप्शन ए, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत निर्मित सड़कें कितने राज्यों से निकलती हैं? 18 राज्यों से, 15 राज्यों से, 9 राज्यों से या 13 राज्यों से? आंसर है इसका बिल्कुल 13 राज्य। आदेशात्मक या निषेधात्मक सड़क चिन्ह सामान्यतः किस आकार के होते हैं? वर्गाकार के, त्रिभुजाकार के, गोलाकार के या अंडाकार के? जो सड़क चिन्ह होते हैं आदेशात्मक या निषेधात्मक, ये किस आकार के होते हैं? तो राइट आंसर है गोलाकार। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? फटाफट से सोचना है इसका आंसर। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कोची है, न्यू मंगलौर है, नहवा शेवा पोर्ट है या मुर्मू गोवा है? मुर्मू गोवा है। फटाफट से लगाओ इसका आंसर, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। क्या रहेगा इसका, फटाफट से आंसर लगाना है आपको। लगा भी लिया है कुछ बच्चों ने, तो अब देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है नावा शेवा पोर्ट, ऑप्शन सी। इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? सोचो इसका सही आंसर, इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता?
यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा मंडल सम्मिलित नहीं है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा मंडल सम्मिलित नहीं है? जयपुर, कोटा मंडल, अजमेर मंडल या जोधपुर मंडल? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में इनमें से कौन सा मंडल शामिल नहीं है राजस्थान का? तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? तुक्का तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तुक्के वाली बात तो कभी नहीं की गई है। आंसर जो है बिल्कुल क्या है, कोटा। तो बताइएगा आपने 40 में से कितने सही किए हैं? यदि आपने 40 में से 2 या 3 गलत हुए हैं तो तैयारी जो है वो काफी अच्छी है, लेकिन इससे ज्यादा भी गलत होते हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को बार बार नहीं देख रहे हैं। कैसे भी करिए, आप तैयारी करिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 8 के टेस्ट के साथ तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।